गाइज, आज के समय में फेसबुक पे टिके रहना उतना ही मुश्किल हो गया है जितना कि एक पैर पे ज़्यादा देर तक खड़े रहना। गाइज, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि फेसबुक उनका प्रोफाइल, उनका अकाउंट को कुछ इस तरह का लॉक कर दे रहा है। योर अकाउंट हैज बिन लॉक। गाइज, इस तरह का प्रॉब्लम फेसबुक पे बहुत दिनों से चला आ रहा है। अनविजुअल एक्टिविटी, समझ नहीं आता है कि हमने ऐसी कौन सी एक्टिविटी कर दिया जिसके कारण फेसबुक हमारे इस अकाउंट को लॉक कर दिया है। तो इस तरह का प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ रहा है। तो गाइज, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, आज हम इस वीडियो में आपको यही जानकारी देने वाले हैं कि आपका हुआ अकाउंट लॉक उसको कैसे अनलॉक। तो गाइज, अगर आपका भी अकाउंट लॉक हो गया है मेरी तरह और इसे आप अनलॉक करना चाहते हो तो गाइज इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना, तभी आप अपने अकाउंट को अनलॉक कर पाओगे। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फेसबुक को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आपको गेट स्टार्टेड दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको डिटेल्स में दिया गया है हाउ टू अनलॉक योर अकाउंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो गाइस, नेक्स्ट ऑप्शन में कंफर्म दिस इज योर अकाउंट ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम कंफर्म योर आइडेंटिटी यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड, इसके बाद हमें देखने को मिल रहा है स्टेप वन और स्टेप टू। तो स्टेप वन में आपसे ईमेल आईडी मांगा जाएगा या फिर व्हाट्सएप का नंबर, जिसमें वो लोग आपको एक मैसेज भेजेंगे, एक कोड, ठीक है, मैसेज के द्वारा एक कोड भेजेंगे। और सेकंड ऑप्शन में हमें जो है अपलोड योर आईडी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप अपने ईमेल आईडी को भी डाल सकते हो या फिर आप अपने व्हाट्सएप के नंबर को भी यहाँ पे फिल कर सकते हो, दोनों में से किसी एक को फिल कर सकते हो जिसपे एक कोड आएगा। अभी हमने जो भी ईमेल आईडी वहाँ पर फिल किया उस पर एक कोड आया होगा जिसको यहाँ पर हमें फिल करना होगा। तो चलिए इस ईमेल आईडी को ओपन कर लेंगे, उसके बाद जो भी कोड आया होगा उसे कॉपी कर लेंगे। तो हमने अपना ईमेल आईडी पे आ चुके हैं, यहाँ पर हमारा जो है कंफर्मेशन कोड आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमें क्लिक कर लेना है और यहाँ पर हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और यहाँ पर हमारा एक कोड आया होगा, तो इस कोड को आपको कॉपी कर लेना है। इसके बाद फिर आपको कंफर्मेशन कोड वाले ऑप्शन पे आपको वो कोड को फिल कर देना है। तो गाइज, अगर आपका कोड यहाँ पे नहीं आया है तो गेट ए न्यू कोड पे क्लिक करोगे तो आपका कोड आ जाएगा। तो इतना होने के बाद यहाँ पे मैंने अपना फिल कर दिया, आप क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर आपका आईडी को अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, आपको जो अच्छा लगे उसको सेलेक्ट करके आपको वो आईडी को यहाँ पर अपलोड कर लेना। मैं यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट किया हूँ, अगर आपके पास दूसरा आईडी है तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी आईडी आप सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद जिस भी आईडी को आपने सिलेक्ट किया है उसका फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो उसके लिए क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे सिंपली क्लिक कर देना है। नेक्स्ट इंटरफेस हमारा कुछ इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पर हमसे कैमरा अलाउ करने के लिए कहा जा रहा है, तो सिंपली नीचे हम अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको इन दोनों में से किसी एक पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर आपका जो भी डॉक्यूमेंट है इसे आप यहाँ पर सिंपली ले आना है और उसका जो है आपको फोटो क्लिक कर लेना है। अब आपने जो भी अपना आईडी का फोटो यहाँ पे क्लिक कर लिया है उसको यहाँ पर सबमिट करना होगा। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको यहाँ पर चेकिंग योर आईडी करके एक ऑप्शन शो होगा और यहाँ पर आपसे कुछ समय लेगा। इस चेकिंग में आपका कुछ मिनट लग सकता है, तो यहाँ पर आपको वेट करना है। जब आपकी आईडी पूरी तरह से चेक हो जाएगी उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से एक मैसेज, इस मैसेज में हमें ये बताया गया है कि पूरी तरह से क्लियर होने में 48 आवर भी लग सकता है, मतलब कि 2 दिन का समय यहाँ पर लग सकता है। और जैसे ही हमारा कुछ भी यहाँ पर क्लियर होता है वैसे ही आपका इस ईमेल आईडी पे जो भी आपने वहाँ पर इंटर किया है वहाँ पे आपको मेल कर दिया जाएगा। 2 दिन के बाद आपका अकाउंट पूरी तरह से अनलॉक हो जाएगा, उसके बाद आप अपने फेसबुक को यूज कर पाओगे। और अगर किसी कारण 2 दिन बाद आपको इस तरह का एक मैसेज आता है, इस तरह का कोई ईमेल आता है, तो दूसरा आईडी को सेलेक्ट करके आपको अपलोड करना होगा जिसमें आपका फेसबुक से नेम मैच करता हो। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।